हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम टू इतिहास जी। फ्रेंड्स, जो रिमेनिंग क्वेश्चन है क्रॉप इंप्रूवमेंट सेकंड रवि क्रॉप, जो कि क्वेश्चन पेपर है 2023 का कानपुर यूनिवर्सिटी का, तो रिमेनिंग क्वेश्चन जो है 31 से 60 तक उनको इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने 1 to 30 क्वेश्चन पिछले वीडियो में सॉल्व कर लिए हैं। अगर आपको नहीं देखा है तो लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा प्ले लिस्ट का, जहाँ पर आप लोग जा करके वो वीडियो देख लीजिएगा, और उससे पहले भी काफ़ी वीडियोस बने हुए तो उनको भी आप लोग जरूर देख लीजिए। सो क्वेश्चन नंबर 31, द जीनोम ऑफ ट्रिटिका मेसेटाइवम इज, ट्रिटिका मेसेटाइवम का जो जीनोम है वो क्या है, ए ए ए ए बी बी ए ए बी बी सी सी एंड ए ए बी बी या डी डी। ठीक है, तो सबसे पहले बताइए कि ट्रिटिका मेसेटाइवम होता क्या है। ये वीट, ठीक है, ट्रिटिका मेसेटाइवम वीट, जो कि हेक्साप्लॉइड वीट है। कैसा है, हेक्साप्लॉइड। क्रोमोजोम नंबर 2n इज इक्वल टू 42। जीनोम क्या है, ए ए बी बी डी डी, ठीक है, एलो हेक्साप्लॉइड है। एलो मतलब डिफरेंट डिफरेंट जीनोम है, ए जीनोम, बी जीनोम और डी जीनोम। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट। वीट के बारे में इतनी चीजें याद रखना है, ट्रिटिका मेसेटाइवम वीट का साइंटिफिक नेम है, हेक्साप्लॉइड है, 2n इज इक्वल टू 42। बेसिक क्रोमोजोम कभी कभी पूछ लेता है, तो बेसिक क्रोमोजोम कितना होता है, 7। ठीक है, वीट का बेसिक क्रोमोजोम नंबर कितना है, 7। देन क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स आर कल्टीवेटेड इन रबी सीजन, कौन सी क्रॉप है जो कि रबी सीजन में कल्टीवेट की जाती है, रबी सीजन मतलब ठंड के सीजन में। कमेंट में आपको बताना है कौन सी क्रॉप है जो कि रबी सीजन में कल्टीवेट की जाती है। और एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है कि सनफ्लावर कैसा क्रॉप है। ठीक है, सनफ्लावर खरीफ है, जायद है, रबी है या डे न्यूट्रल क्रॉप है, आप लोग को ये भी बताना है। पार्ट फर्स्ट में मैं बता चुका हूं सनफ्लावर कैसी क्रॉप है। क्वेश्चन नंबर 33, चिकपी इज ऑल्सो नोन एज, चिकपी को दूसरे किस नाम से जानते हैं, ग्रीन ग्राम, बंगाल ग्राम, ब्लैक ग्राम या ऑल ऑफ द अबव। ग्रीन ग्राम किसको बोलते हैं, मूंग को, ठीक है, ब्लैक ग्राम किसको बोलते हैं, उर्द को, बंगाल ग्राम ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट। ठीक है, हॉर्स ग्राम, बंगाल ग्राम, हॉर्स ग्राम तो इसको नहीं बोलते, दूसरी चीज होती है, बट इसे क्या बोलते हैं, चिकपी को बंगाल ग्राम के नाम से जानते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 34, चिकपी इज रिच इन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, शुगर या फैट। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट जो चिकपी होती है, चिकपी क्या है, पल्सेस आर रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, सो ऑप्शन नंबर यहां पर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट। ठीक है, पल्सेस किसका रिच सोर्स है, प्रोटीन का, जैसे आपका पीज हो गया, चिकपी हो गया, लेंटिल हो गया, ठीक है, अरहर हो गया, पीजन पी इसे बोलते हैं या तुर बोलते हैं कहीं कहीं, तो ये सभी किसके रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। देन क्वेश्चन नंबर 35, द बेसिक क्रोमोजोम नंबर इन वीट इज, देखिए क्वेश्चन आ गया नया कि बेसिक क्रोमोजोम नंबर वीट का कितना होता है, ऊपर मैं बता चुका हूँ बेसिक क्रोमोजोम नंबर कितना होता है, आप लोग बताइए कमेंट में कि बेसिक क्रोमोजोम नंबर वीट का कितना होता है, इसलिए ध्यान से के क्वेश्चन सुना करिए। देन क्वेश्चन नंबर 36, ऑरिजिन ऑफ टेट्राप्लॉइड स्पीसीज ऑफ ब्रैसिका वॉज गिवेन बाय, जो ब्रैसिका स्पीसीज है उनका जो टेट्राप्लॉइड ऑरिजिन है वो किसके द्वारा दिया गया था, ईस्ट के द्वारा, जेनकिंस के द्वारा, नागाहारू के द्वारा या रिम्पू के द्वारा। अगर आप लोगों ने सुना होगा यू ट्रायंगल, ठीक है, यू ट्रायंगल या नागाहारू ट्रायंगल, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट। ठीक है, यू ट्रायंगल आपने पढ़ा होगा, आप लोग देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। आप सर्च कीजिएगा यूट्यूब पर, बहुत सारे वीडियोज आपको मिल जाएंगे यू ट्रायंगल या नागाहारू के बारे में। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 37, IISR इज लोकेटेड एट, IISR कहाँ पर लोकेटेड है। अब IISR का फुल फॉर्म पता होगा तभी आप लोग बता पाएंगे कि लोकेटेड कहाँ पे है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च। ठीक है, ये कहाँ पर लोकेटेड है, देखिए एक ब्रीडिंग वाला है, ठीक है, ब्रीडिंग शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट। ठीक है, शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, कोयम्बटूर में, तमिलनाडु में, कंफ्यूज नहीं होना, शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट, ब्रीडिंग की बात करेगा तो वो कहाँ पर लोकेटेड है, कोयम्बटूर में। यहाँ पर क्या पूछा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च, तो रिसर्च कहाँ पर है, लखनऊ में, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका, करेक्ट। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन लखनऊ में है, ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, कोयम्बटूर में है, तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 38, द नंबर ऑफ स्टेमेन इन पी इज, पी में नंबर ऑफ जो स्टेमेंस होते हैं वो कितने होते हैं, 5+1, 6+1, 8+1 या 9+1, सो इट इज डायडल्फस
ऑप्शन नंबर डी 9 + 1 = 10, कितने होते हैं 10। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ स्टेमिन इन पी 9 + 1। क्वेश्चन नंबर 39, पी ग्रोज वेल ड्यूरिंग, किस सीजन में जो पी है मटर ग्रो किया जाता है, खरीफ में, रबी में, जायद में, या ऑल ऑफ द अबव। इसका भी आंसर आपको बताना है, मैं नहीं बताऊंगा कौन से सीजन में जो मटर है ग्रो की जाती है। क्वेश्चन नंबर 40, पी फ्रूट्स आर ऑल्सो नोन एज चेरी, बेरी, पॉड या कैरियोप्सिस। ठीक है, पी फ्रूट को क्या बोलते हैं, मटर की फली को, पॉड। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट। फ्रेंड्स क्वेश्चन आपके बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आपने क्रॉप नॉर्मल क्रॉप के बारे में पढ़ा हुआ है, एक ओवर थ्रू गए हैं आप, एक क्रॉप के बारे में ओवर व्यू आपको पता है, आप आसानी से सभी क्वेश्चंस को कर ले जाएंगे। देन क्वेश्चन नंबर 41, वीट वेराइटीज NP4, NP6 एंड NP12 आर डेवलप्ड बाय प्योर लाइन सिलेक्शन, बल्क मेथड, बैक क्रॉस मेथड या पेडिग्री मेथड। तो ये हमारे सिलेक्शन के द्वारा डेवलप किए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, प्योर लाइन सिलेक्शन। ठीक है, NP4, NP6 एंड NP12 आर डेवलप्ड बाय प्योर लाइन सिलेक्शन। देन क्वेश्चन नंबर 42, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मस्टर्ड इज लोकेटेड एट, NRC फॉर मस्टर्ड। ठीक है, शॉर्ट में पूछ लेता है NRC फॉर मस्टर्ड कहाँ पर लोकेटेड है, तो ये लोकेटेड है भरतपुर। भरतपुर कहाँ पर लोकेटेड है, राजस्थान में। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट। ठीक है, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मस्टर्ड इज लोकेटेड एट भरतपुर। आप लोग को बताना है NRC फॉर ग्राउंड नट। ठीक है, ये कहाँ पर लोकेटेड है, ग्राउंड नट की जो NRC है वो कहाँ पर लोकेटेड है। देन क्वेश्चन नंबर 43, ऑयल परसेंटेज ऑफ सनफ्लावर इज 30-40%, 45-50%, 55-60% या 20-25%। तो ऑयल परसेंटेज सनफ्लावर में कितना होता है, अप्रॉक्स 45-50%। ठीक है, कहीं कहीं आपको 40-50% लिखा हुआ मिल जाएगा, कहीं 48-50% लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, बट जो एवरेज एक परसेंटेज है 45-50% के बीच में वेरी करता है। कोकोनट में 55-60% तक ऑयल होता है। ठीक है, कोकोनट में। देन ऑयल परसेंटेज आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा जितनी भी रबी क्रॉप्स हैं। देन क्वेश्चन नंबर 44, द सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ पोटैटो, साउथ अमेरिका, USSR, इंडिया या ब्राजील। तो सेंटर ऑफ ऑरिजिन कहाँ है पोटैटो का, साउथ अमेरिका। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका, करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 45, नॉरेंटेन इज अ डॉफिंग जीन ऑफ वीट, राइस, चिकपी या सनफ्लावर। ठीक है, नॉरेंटेन किसका डॉर्फिंग जीन है, ये वीट का जीन है। ठीक है, डॉर्फिंग जीन जो कि प्लांट की हाइट को छोटी करता है। एक कभी कभी और क्वेश्चन पूछता है डीजीयू। ठीक है, ये किसके लिए है, ये राइस के लिए है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए बताया आपको। फ्रेंड्स अगर आप कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और हमसे पेड PDF परचेज करना चाहते हैं तो आप परचेज कर सकते हैं, जिसके लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है 7905601596 पे। ठीक है, कोशिश करूंगा कि अगली बार से जो सेमेस्टर एग्जाम है उनकी भी क्लासेज हो या पेड PDF हो उनकी भी मैं लॉन्च करने वाला हूँ। बट अगर आप कोई कम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करें तो आप ज़रूर परचेज कीजिएगा। क्वेश्चन आपको ऑथेंटिक मिलेंगे, PDF पेड रहेंगी, कॉस्ट इफेक्टिव रहेगी, डिस्काउंट भी हो जाता है अगर आप बल्क में परचेज करते हैं। और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है हितेश जी के नाम से है, उसको भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर काफ़ी सारे बच्चे हैं। और हितेश जी डिस्कशन के नाम से दूसरा चैनल है, जहाँ पर अपने सेल्फ डाउट जो भी आपको हैं उनको आप सेंड कर सकते हैं, अपनी क्वेरीज जो है उनको सेंड कर सकते हैं। मेन चैनल हितेश जी है, उसका सब चैनल है हितेश जी डिस्कशन, तो दोनों आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 46, इन इंडिया जीन बैंक फॉर वीट इज लोकेटेड एट लुधियाना, करनाल, न्यू दिल्ली या कानपुर में। ठीक है, तो जीन बैंक फॉर वीट कहाँ पर लोकेटेड है, करनाल, हरियाणा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करनाल में। ठीक है, जीन बैंक फॉर वीट इज लोकेटेड एट करनाल। देन क्रोमोजोम नंबर ऑफ पोटैटो इस क्वेश्चन नंबर 47 क्या है, पोटैटो का क्रोमोजोम नंबर कितना होता है, 2n = 48। ठीक है, देखिए यहाँ टेट्राप्लॉइड है, यहाँ पर क्या है, हेक्सा डिप्लॉइड है। ठीक है, 2n = 4x = 24। ठीक है, तो पोटैटो हमारा क्या है, टेट्राप्लॉइड है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, 2n = 4x = 48। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, 2n = 4x =
48. देन क्वेश्चन नंबर 48, मोड ऑफ पॉल्यूशन इन पोटैटो, सॉरी पॉल्यूशन ये गलत लिखा हुआ है, पॉल्यूशन नहीं होगा, पॉलिनेशन होगा, ठीक है, कभी मिसप्रिंट हो गया वो गलत हो जाता है। देखिए यहाँ पर परागण लिखा है, मतलब यहाँ पर सही लिखा है, पॉलिनेशन लिखा हुआ है, ये मिसप्रिंट हो जाता है, कभी कभी ऑटो करेक्शन होता है तो वहाँ पर हो जाता है, ठीक है। तो मोड ऑफ पॉलिनेशन इन पोटैटो, पोटैटो में पॉलिनेशन कैसा होता है, सेल्फ पॉलिनेशन होता है, क्रॉस होता है, ऑफ एंड क्रॉस होता है, या नन ऑफ दी अबो, तो पोटैटो में कैसा होता है, क्रॉस सेल्फ पॉलिनेशन, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा करेक्ट, ठीक है, पोटैटो इज अ सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप। देन क्वेश्चन नंबर 49, द प्लॉइडी लेवल ऑफ पोटैटो इज डिप्लॉइड, ऑटो टेट्राप्लॉइड, एलो टेट्राप्लॉइड या एलो ऑक्टाप्लॉइड। अब देखिए ऊपर क्वेश्चन पूछा था कि पोटैटो का क्रोमोजोम नंबर, अब वहां पर टेट्राप्लॉइड डिप्लॉइड पूछ लिया था आपसे, तो अगर आपको पता होगा कि टेट्राप्लॉइड है तभी आप लगा पाएंगे। यहाँ पर देखिए पोटैटो कैसा है, ऑटो टेट्राप्लॉइड, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा करेक्ट, मतलब इसके जो जीनोम है वो सेम है, या तो ए ए, जैसे वहां पर वीट में क्या था, वीट का जीनोम क्या था, ए ए बी बी डी डी, ठीक है, ये जीनोम था वीट का, तो ए जीनोम बी जीनोम तीन, यहाँ ठीक है तीन तरीके के जीनोम, तो एलो टेट्राप्लॉइड था, यहाँ पर ऑटो टेट्राप्लॉइड है ये, देन सॉरी ये टेट्राप्लॉइड नहीं था, ये हेक्साप्लॉइड था, ठीक है, वीट कैसा है, हेक्साप्लॉइड था, ये आपका पोटैटो टेट्राप्लॉइड है। देन क्वेश्चन नंबर 50, विच ब्रीडिंग मेथड इज वाइडली यूज इन पोटैटो, पोटैटो में कौन सा ब्रीडिंग मेथड जो कि वाइडली यूज करते हैं, प्योर लाइन, मास सिलेक्शन, क्लोनल सिलेक्शन या पेडिग्री, वेजिटेटिव है तो क्लोनल सिलेक्शन का यूज करेंगे, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 51, पी फ्लावर्स आर क्लिस्टोगैमस, यूनिसेक्सुअल, हेट्रोस्टाइल या डायसियस, तो पी में क्रॉस पॉलिनेशन होता है या सेल्फ पॉलिनेशन तभी आप बता पाएंगे, तो सेल्फ पॉलिनेशन क्लिस्टोगैमस, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, पी फ्लावर्स आर क्लिस्टोगैमस। देन क्वेश्चन नंबर 52, क्रूसीफॉर्म कोरोला इज फाउंड इन, जो क्रूसीफॉर्म कोरोला होता है वो किस में पाया जाता है, वीट में, पी में, चिकपी में या मस्टर्ड में, ठीक है, तो ये किस में पाया जाता है, मस्टर्ड फैमिली में, ठीक है, मस्टर्ड फैमिली में, इस ऑप्शन नंबर डी क्या होगा करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 53, सेंटर ऑफ ऑरिजिन ऑफ टोमेटो, सेंटर ऑफ ऑरिजिन टोमेटो का क्या है, नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, एशिया माइनर है या इथोपिया है, ठीक है, तो सेंटर ऑफ ऑरिजिन क्या है टोमेटो का, साउथ अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा करेक्ट, दक्षिण अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, द क्रोमोजोम नंबर ऑफ टोमेटो, टोमेटो का क्रोमोजोम नंबर कितना है, 2n = 24, 48, 20 या 40, ठीक है, तो क्रोमोजोम नंबर कितना है, 2n = 48, सोलेनेसी में कितनी भी जितनी भी क्रॉप है उनका क्रोमोजोम नंबर कितना है, 2n = 48। देन क्वेश्चन नंबर 55, अर्जिमोम मैक्सिकाना इज अ ऑब्जेक्शनेबल वीट ऑफ, जो अर्जिमोम मैक्सिकाना है वो किस क्रॉप का ऑब्जेक्शनेबल वीट है, पी का है, चिकपी का है, मस्टर्ड का है या सनफ्लावर का है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, मस्टर्ड का ऑब्जेक्शनेबल वीट है, काफी फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, अर्जिमोम मैक्सिकाना किस चीज का ऑब्जेक्शनेबल वीट है, तो याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 56, व्हेन F1 इज क्रॉस्ड विद आइदर ऑफ द पेरेंट्स इट इज नोन एज, जब F1 को हम लोग किसी भी पेरेंट्स से क्रॉस करते हैं, आइदर ऑफ द पेरेंट्स, तो उसे क्या बोलेंगे, बैक क्रॉस बोलेंगे, टेस्ट क्रॉस बोलेंगे, रेसिप्रोकल क्रॉस या नन ऑफ द अबव, उसे क्या बोलेंगे, बैक क्रॉस, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे, बैक क्रॉस। आप लोग के लिए क्वेश्चन है, जब हम F1 का किसी रेसेसिव पेरेंट से क्रॉस कराएंगे, क्रॉस है, ठीक है, रेसेसिव पेरेंट से अगर हम क्रॉस कराते हैं तो उसे क्या बोलेंगे, F1 का हमने किसी भी पेरेंट से करा दिया तो वो क्या हो जाएगा, बैक क्रॉस, बट अगर F1 को हम रेसेसिव पेरेंट से क्रॉस कराएंगे तो उसे क्या बोलेंगे, टेस्ट क्रॉस या रेसिप्रोकल क्रॉस, या इनमें से कोई नहीं, आप लोगों को कमेंट में बताना है। क्वेश्चन नंबर 57, व्हिच वैरायटीज KSL ML3 एंड MLKS11 आर मास सिलेक्टेड वैरायटीज, मल्टी लाइन वैरायटीज, म्यूटेंट वैरायटीज या प्योर लाइन वैरायटीज, तो ये हमारी मल्टी लाइन वैरायटीज हैं, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा करेक्ट, ठीक है, कैसी है, मल्टी लाइन वैरायटीज हैं। क्वेश्चन नंबर 58, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड एट, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पर सिचुएटेड है, न्यू दिल्ली में है, शिमला में है, लखनऊ में है या
वाराणसी, ठीक है, तो सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट शिमला कुफरी, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा करेक्ट, कहाँ पर है, शिमला में। देन क्वेश्चन नंबर 59, द इन्फ्लोरेसेंस ऑफ सनफ्लावर इज कॉल्ड पेनिकल, कैपिटुलम, टेसल या नॉन ऑफ दी अबव। सनफ्लावर कौन सी फैमिली को बिलोंग करता है, आप लोग के लिए क्वेश्चन है, इसका इन्फ्लोरेसेंस कैसा होता है, कैपिटुलम, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 60, लाइकोपेरिस का मैस्कुलिन टर्म एल इज द साइंटिफिक नेम ऑफ, मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग को बताना है कमेंट में कि लाइकोपेरिस का मैस्कुलिन टर्म किस चीज का साइंटिफिक नेम है। इसमें लाइकोपीन पाई जाती है, उसी का साइंटिफिक नेम है, पोटैटो का है, टोमेटो का है, पी का है या शुगर केन का है। पार्ट फर्स्ट आप लोग जरूर देख लीजिएगा, वहाँ पर पोटैटो, टोमेटो, पी और शुगर केन के बारे में, क्रोमोसोम नंबर कितना होता है, फैमिली कौन सी है, साइंटिफिक नेम क्या है, वो हमने डिस्कस किया हुआ है। तो पार्ट फर्स्ट आप लोग जरूर देख लीजिएगा, उससे पहले भी ने प्रीवियस ईयर एग्जाम क्वेश्चन पेपर अदर यूनिवर्सिटीज़ के उनको भी बनाया हुआ है, क्योंकि सिलेबस आपका, देखिए यूनिवर्सिटी से आपका मतलब नहीं है, सिलेबस आपका सेम है, तो आप अदर यूनिवर्सिटीज़ को जो पेपर है अपनी यूनिवर्सिटीज़ के सभी पेपर आप देखिए, आपका जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।